हेलो गाइस दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोरे बाबू। दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि 10 साल पहले फ़ोटो डिलीट हुआ को कैसे वापस लाए। क्या होता है कि जब आप अपने फ़ोन को यूज करते रहते हैं तो कभी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के चलते आपका फ़ोटो कभी कभी डिलीट हो जाता है या आपका फाइल ही डिलीट हो जाता है, जिससे आप में आपके फाइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ोटो होता है, उसे आप कभी खोना नहीं चाहते, लेकिन वो फ़ोटो डिलीट हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने डिलीट हुए फ़ोटो को कैसे वापस लाएं। तो उस फ़ोटो को वापस लाने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि जब आपका फ़ोटो डिलीट हुआ हो तो उसके बाद आपने कभी नेट यूज किया हो, और दूसरा कंडीशन जिस फ़ोन से आपका फ़ोटो डिलीट हुआ है वह फ़ोन अभी यूज कर रहे होंगे तो आपका फ़ोटो रिकवरी हो सकता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो प्ले स्टोर में उपलब्ध है, तो हम लोग उसे डाउनलोडिंग कर लेते हैं। उस ऐप का नाम है डिस्क डिगर फ़ोटो रिकवरी। तो हम लोग टाइप कर लेते हैं, तो डिस्क डिगर फ़ोटो रिकवरी जो फर्स्ट में दिखा रहा है हम लोग उसे इंस्टॉल कर लिए हैं। तो यहाँ देख डाउनलोडिंग करके रखा है, तो हम इसे डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद इसमें कुछ पहला में जो आता है स्टार्ट बेसिक फ़ोटो स्कैन, तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो हमने इसे इंस्टॉल करके यूज करके देख लिया है, तो इसमें कुछ ऑप्शन स्कैन पर क्लिक करते हैं तो यह स्कैन करने लगेगा। तो देखिए यह स्कैन करने लगा है, तो इसमें कुछ टाइम लग जाएगा, तो इसके टाइम लग जाएगा। तो देखिए यह मेरा फ़ोटो है जो पहले डिलीट हो चुका था, जिसे यह एप्लीकेशन रिकवर कर लाया। तो ऐसे ही आप अपने फ़ोटो को रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।